तो एक बार और स्पष्ट कर दें, 7 बजे से 6 बजे संध्या तक सभी बूथों पर। लाइन कितने बजे तक लगेंगे लोग? 6 बजे तक जितने भी मतदाता इच्छुक मतदाता हैं जो उपलब्ध रहेंगे बूथ परिसर में, उन सबको मतदान करने का अवसर दिया जाएगा, पर्ची बांटकर मतदान सुनिश्चित कराया जाएगा। मतदान केंद्र के बाहर तक लंबी लाइन लग जाती है वैसी स्थिति में? अगर लोग लाइन में लगे हुए हैं, अगर एक रनिंग लाइन है जो लोग लगे हुए हैं लाइन में, पर्पस ये है कि जो लोग इच्छुक थे और जो लोग लाइन में लग चुके थे उनको हम मतदान करने से रोकते नहीं, क्योंकि मतदान एक मताधिकार एक अधिकार है जिसका हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए कि लोग बाद में लेट आए, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमिंग है, ये मेरे द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, अन्यथा जो इसमें लाइन लगती रहेगी और हम लोग वोट देते रहेंगे, तो उसकी जो समय सारणी निर्धारित है चुनाव उसी वक्त उसी समय सीमा के अंदर ही किया जा सकता है, इसीलिए जितने लोग 6 बजे तक पहुंच जाते हैं 15 मिनट पहले से इसकी अनाउंसमेंट बार बार कराई जाती है कि 15 मिनट में अब मतदान समाप्त हो जाएगा, जो भी इच्छुक हैं कृपया लाइन में लग जाएं। जितने भी लोग लाइन में लगे रहेंगे चाहे वो बूथ के बाहर ही लाइन क्यों ना चले, अगर वो उस इच्छा के साथ लगे हुए और 6 बज गया तो सबसे लास्ट वाले आदमी को पहला टोकन देते हुए उसी क्रम में बढ़ते जाते हैं, और जो सबसे अंतिम आदमी जो आपके काउंटर पर लगा हुआ है उसको सबसे लास्ट वाला टोकन प्राप्त होता है, ताकि एक के बाद कोई अगला नंबर कोई ना लगा सके। अपने जीवन की खुशियों को संपूर्ण बनाएं, एक कदम फर्टिलिटी की ओर बढ़ाएं। इंदिरा IVF सेंटर, खुशियों को दे रहे हैं जन्म। अब किलकारी गूंजेगी, कोई मस्ती सूझेगी, बढ़ जाएगी खुशियाँ, महकेगी अपनी दुनिया। संतान की तुलना में विश्वसनीय नाम इंदिरा इनफर्टिलिटी एंड इंटरेस्टेड बेबी सेंटर।